तो आज के वीडियो का टॉपिक है बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन टेंजेस। तो आज हम जानेंगे कि बीजेटी कैसे काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी दो तरह के मटेरियल से बनता है, पी टाइप एंड एन टाइप। दो एन टाइप मटेरियल एंड एक पी टाइप मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बनता है NPN ट्रांजिस्टर, एंड दो पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बनता है PNP ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर दोनों का ही तीन टर्मिनल होता है, एक होता है बेस टर्मिनल, एक होता है एमिटर टर्मिनल और एक होता है कलेक्टर टर्मिनल। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर एक BC547 का एक ट्रांजिस्टर दिखा रहा हूँ जिसका तीन टर्मिनल है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कौन सा बेस टर्मिनल है, कौन सा एमिटर वाला टर्मिनल है, कौन सा कलेक्टर वाला टर्मिनल है। उसे चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर का दो टर्मिनल होता है, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। अब मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी पे सेट करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल कोई भी ट्रांजिस्टर का कोई भी एक टर्मिनल के साथ मैं कनेक्ट करूँगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ट्रांजिस्टर का तीनों टर्मिनल होता है, उसके जो बीच वाला जो टर्मिनल है उसके साथ में मल्टीमीटर को पॉजिटिव का जो टर्मिनल है उस टर्मिनल को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अब मल्टीमीटर का जो नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है उस टर्मिनल को मैं ट्रांजिस्टर का जो राइट वाला टर्मिनल है उसके साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अब कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर मुझे एक रीडिंग दिखाएगा, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लेता हूँ वहाँ पर जो रीडिंग मुझे दिखा रहा है वो मान लो 10 रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस नेगेटिव वाले टर्मिनल को मैं चेंज करूँगा, चेंज करके जो दूसरा वाला लेफ्ट वाला जो टर्मिनल है उस टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करूँगा। अब मुझे यहाँ पर जो रीडिंग दिखाएगा वो रीडिंग अगर 7 ओम दिखाता है, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि जो बीच वाला जो टर्मिनल है वो टर्मिनल कॉमन है, वो टर्मिनल बेस है, ठीक है। एंड बेस एंड एमिटर के बीच में जो जो रीडिंग आपको दिखाएगा वो रीडिंग दूसरे वाले से ज़्यादा होगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूँ कि बेस एंड एमिटर के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो अगर 10 ओम होगा तो कलेक्टर एंड बेस के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो 7 ओम होगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बेस वाला टर्मिनल है, कौन सा एमिटर वाला टर्मिनल है और कौन सा कलेक्टर वाला टर्मिनल है। कलेक्टर एंड बेस के बीच में रेजिस्टेंस कम होगा, एमिटर एंड बेस के बीच में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही आप कलेक्टर कौन है, बेस कौन है और एमिटर कौन सा वाला टर्मिनल वो आप इजीली निकाल सकते हो। आपको अब ये तो पता चल गया कि कैसे आप टर्मिनल को देखकर आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा बेस है, कौन सा एमिटर है एंड कौन सा कलेक्टर है, ठीक है। तो उससे पहले मैं बीजेटी को स्टार्ट करता हूँ कैसे काम करता है, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने ऑलरेडी पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि मैं उस वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने बात किया है कि होल्स कैसे काम करता है, कैसे जंक्शन काम करता है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, मैंने कैसे काम करता है मैंने डिटेल में बता रखा है, ठीक है। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो बहुत आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, वो वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो और भी बेहतर समझ में। यहाँ पर मैंने एक NPN ट्रांजिस्टर मैंने ले लिया है, अब ये काम कैसे करता है वो देखते हैं। एन वाला जो टर्मिनल है उसके साथ मैंने एक रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट किया है, अब रेजिस्टेंस का मान कोई भी हो सकता है, 2 ओम, 3 ओम, कोई भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके साथ मैं एक लाइट कनेक्ट कर रहा हूँ जो कि 5 वोल्ट का है, ठीक है। अब लाइट के साथ एक मैंने बैटरी कनेक्ट किया है, बैटरी का जो पॉजिटिव साइड है वो लाइट का एक टर्मिनल के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है, दूसरा वाला जो नेगेटिव साइड है बैटरी का वो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर का जो एमिटर साइड है उसके साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पर जो जंक्शन है वो 2 जंक्शन होता है, इस ट्रांजिस्टर में 3 लेयर एंड 2 जंक्शन होता है। ट्रांजिस्टर को ऑन स्टेट में लाने के लिए दोनों ही जंक्शन को आपको फॉरवर्ड बायस में होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जंक्शन 2 जो है वो फॉरवर्ड बायस में, लेकिन जंक्शन 1 जो है वो अभी रिवर्स बायस में। क्यों रिवर्स बायस में, देखो यहाँ पर जो बैटरी का जो पॉजिटिव साइड वो यहाँ पर आकर कनेक्ट हो गया है इन साइड में। अब इन साइड से इन साइड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारा होता है। अब जैसे ही मैं पॉजिटिव साइड पे कनेक्ट करूँगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होल की तरफ चला जाएगा एंड बैटरी का जो पॉजिटिव साइड
आपका जो होल्स है वो होल्स यहाँ पर चलाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी होल्स है तो होल्स इस होल को आने नहीं देगा। ऑलरेडी जो होल्स है वो होल क्या करेगा, यहाँ पर जो बैटरी का होल्स है उस होल को रिपेल करेगा। आप रिपेल करने के बाद क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये इस कंडीशन में ये क्या होगा, ऑन स्टेट में नहीं आएगा। ठीक है, और एक तरीका है इसको ऑन स्टेट में लाने की, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बैटरी का जो वोल्टेज है इस वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। तो अब इस वोल्टेज को जैसे ही हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जे ऑन का जो जंक्शन है उसके अंदर जो डिप्लेशन लेयर होगा वो लेयर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, लेकिन एक टाइम पे ऐसा होगा कि तुरंत इतना तेजी से इसके अंदर से करंट फ्लो होगा कि डिप्लेशन लेयर पूरी तरीके से टूट जाएगा एंड हाई करंट इस ट्रांजिस्टर के अंदर से फ्लो हो जाएगा। एंड जैसे ही हाई करंट इस ट्रांजिस्टर के अंदर से फ्लो हो जाएगा ये ट्रांजिस्टर पूरी तरीके से जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये अच्छी तरीका नहीं है ट्रांजिस्टर को ऑन करने का। दूसरा वाला जो ऑन करने का जो तरीका है उसे हम बेस के साथ कनेक्ट करके ऑन करेंगे। कैसे बेस के साथ कनेक्ट करके ऑन करेंगे, देखो यहाँ पर जो कनेक्शन है सेम कनेक्शन होगा, लेकिन और एक हम बैटरी लेंगे, बैटरी के साथ और एक हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे सीरीज में, एंड रेजिस्टेंस के साथ और एक पुश स्विच कनेक्ट करेंगे, एंड उस स्विच का एक टर्मिनल जाकर हम यहाँ पर बेस वाला जो टर्मिनल उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। अब कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, बैटरी के साथ देखो पॉजिटिव वाला टर्मिनल स्विच के साथ कनेक्ट है और उस स्विच का जो टर्मिनल है वो अभी पी साइड से कनेक्ट है। अब क्या होगा, होल्स चलाएगा और यहाँ पर जो नेगेटिव साइड है नेगेटिव साइड से देखो इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन जे टू जो जंक्शन है वो जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, तो क्या होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होल्स जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर जो जंक्शन वन का जो डिप्लेशन लेयर है उसे तोड़ देगा। अब जैसे ही इस डिप्लेशन लेयर को तोड़ देगा तो क्या होगा, इस 5 वोल्ट का जो बैटरी है इस बैटरी के अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए ये लाइट जल जाएगा। तो यही एक तरीका है बीजेटी को ऑन करने। तो जैसे ही हम बेस में सप्लाई देंगे तो क्या होगा, जो कलेक्टर साइड है उस कलेक्टर साइड से एक एमिटर साइड में एक करंट फ्लो होगा एंड पूरा लाइट जल जाएगा। जैसे ही हम बेस से सप्लाई हटा देंगे तो ये लाइट बंद हो जाएगा। तो बीजेटी ऐसे ही काम करता है। बीजेटी का यूज़ किया जाता है एसी करंट को एम्पलीफिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है एंड ऑल्सो यूज्ड एज ए स्विचिंग डिवाइस। तो बीजेटी ऐसे ही काम करता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए सही है तो नीचे वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो, क्योंकि मैं जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।